ये देखो भाई पैकेट में मछलियां बेच रहे, टिड्डे बेच रहे, ग्रास ऊपर बेच रहे हैं। मेरे पास हेलमेट नहीं है और बिना हेलमेट के घूम रहे हम, मरे हैं भाई आज। कई लोग तो यहाँ पे बिना कपड़ों के भी बैठे हैं। मेक्सिको में ना पुलिस से भी बच के रहना होता है क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी लूट लेती है आपको। तो जिम से आया था जस्ट अभी मैं, और ये जो स्टेट है वहाँ का, ये इधर तरह तरह की चीजें खाते हैं। एक इनकी ट्रेडिशनल चीज है ग्रास ऑपर्स खाना, यानी कि चपुलीनेस बोलते हैं उसे स्पेनिश में। तो आज की वीडियो में, पिछले एक महीना तो मैं काफी बिजी था सर्फिंग करने में, स्पेनिश सीखने में, आप लोग जानती हो। और कल मैं जा रहा हूँ कैनकुन मंगलवार को, तो आज मेरा आखिरी दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चल के इनकी मार्केट दिखाऊं जो सेंट्रो में है, या डाउनटाउन जिसे कह लो। वो एक ट्रेडिशनल मार्केट सी है, उधर मैं एक बार पहले गया हूं पर मैं ढंग से एक्सप्लोर नहीं करी, ना ही मैं वीडियो बना पाया था। आज मैं आपको दिखा पाऊंगा और उसके बाद अपन चलते हैं मेरे फेवरेट बीच पे, जिधर मैं रोज सर्फिंग करता था। लास्ट के एक दो दिन तो अपन अलग बीच पे गए थे जब मैंने वीडियो बनाई थी, पर जो मेरा फेवरेट बीच है ला पुंता, उधर की आपको वाइब दिखाता हूं कितनी अच्छी है, कितना मस्त इलाका है, मेरे को काफ़ी पसंद है। तो आपको बीच दिखाऊंगा और इनकी मार्केट दिखाऊंगा। अभी मैं निकलता हूँ मेरे हॉस्टल से या होटल, जो भी आप इसे कह लो। काफ़ी बड़ा अलग ही है। पीछे इसके एक बीच है कारिजा लीलो बीच, और ये मेरा कमरा, और इधर ये रखा मेरा सामान। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी स्पेनिश नहीं आती, तो मेरी एक दोस्त है यारा वेलिन, जो आपने वीडियो में भी देखा हो, फिजियोथेरेपी कराने गया था जब, तो वो मेरी हेल्प करेगी। तो मेरे को ना लोकेशन भेजी है उसने, यारा वेलिन ने, उसकी लोकेशन पर मैं पहुँचता हूँ। सेंटर के पास ही रहती है वो, तो हालांकि वैसे तो उसे भी इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, पर उसे मार्केट का थोड़ा आइडिया और थोड़ी तो ज़्यादा हेल्प हो ही जाएगी, क्योंकि मेरे को स्पेनिश इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं मार्केट वालों से ढंग से बात कर सकूं। लोकेशन पे तो आ गया मैं, दिख नहीं रही मेरे को। ये पोर्टो एस्केंडिडो का सेंटर है बेसिकली, एल सेंट्रो या सेंटर कह लो, वो है मेरे ख्याल से आने लग रही है तो। हाँ वो ही है। होला कोमो एस्टास, बिएन ई टू, मुय बिएन, ग्रासियास। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये इनकी सेंट्रो की मार्केट है, पोर्टो एस्केंडिडो की। इस मार्केट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मार्केट। ये बेसिकली सारा इलाका आसपास का ये सेंटर है इनका, ये देखो, ये पुलिस की गाड़ी है एक। वैसे मेक्सिको में ना पुलिस से भी बच के रहना होता है क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी लूट लेती है आपको रात को, अगर आप बाहर निकल रहे हो ना। पोर्टो एस्केंडिडो में तो ऐसा नहीं है, पर और सिटीज में जो मतलब बड़ी सिटीज है, ज़्यादा टूरिस्टिक है इससे ज़्यादा, अभी तक यहाँ पे तो नहीं होता। उधर मतलब पुलिस वाले भी आपको रात को आप घूम रहे हो ना पकड़ लेंगे और जेब में जितने ही पैसे सारे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पुलिस से भी डर के रहना होता है। इधर नहीं है पर ऐसा। ये मार्केट है, अपन घुसते हैं अंदर। डिड यू आस्क फॉर चपुलीनेस? प्रेगुंते सी। यार वेलिन पूछ रही है कि भी किधर मिलेंगे। ¿Los quieres probar primero? ¿No? Yeah, but... ¿Los puedo probar? ¿Puedo probar, no? Yeah, bhai, grasshopper, yani ki chapulines. Can I take one out? Can I... Sí, yes. Sí? Ye dekho. Ye aapko dikh raha hoga. Isme masale wagera dal ke, isko ek khate hai. पूरे ऐसे इतने बड़े बड़े पैक। यू ईट फर्स्ट? नो फर्स्ट यू। हाउ इज इट? बिएन रिको। लेट्स बाय सम इंस्टेड ऑफ ला क्वांटा। आ क्वीरेस कॉम्प्रार उन पोको? सी पोको। कोनो पुएस वेंडर पोकिटो लो मेनो। थोड़े से खरीद ही लेते हैं इनके ऐसे खाने जो ठीक ही लगते हैं, जो टिड्डे होते हैं ना अपने, या ग्रास ऊपर जो होते हैं वो है ये। 20 पैसो ग्राम। क्वांटोस ग्रामोस? क्वांटोस ग्रामोस ले ही लेते हैं, 20 मतलब 20 पैसों के इंडिया के, 80 रुपए के। बताता हूँ आपको कितने ग्राम है। व्हाट इज दिस? चिली चिले सी। ये इनका लाल मिर्च पाउडर है इनका। 30 तो 30 ग्राम है, 20 मेक्सिकन पैसों के। ये हमने ले लिए भाई टिड्डे, यानी ग्रास ऊपर ले लिए इंडिया के 85 रुपए के, 30 ग्राम। चिले हमाइका, ओ आगुआ। तो भाई ये प्लांट पौधा होता है ना हमाइका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस, तो ये ना इधर इस फ्लावर को लेके इसका वो बनाते हैं जूस सा, इसको पानी में मिक्स करके और इसमें चीनी वगैरह डाल के इधर बहुत पीते हैं जूस। आपने मेरी किसी वीडियो में भी शायद देखा हो आगुआ दे हमाइका की। तो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसको सुखा के फिर पानी में मिला के और जो भी चीनी वीनी डालते हैं उससे इसकी ड्रिंक बनाते हैं।
डू यू लाइक आगुआ दे हमाइका? पेस्कादो, पेस्कादो मतलब मछली। ये है इसमें मछलियाँ छोटी छोटी, ये देखो भाई पैकेट में मछलियाँ बेच रहे हैं, टिड्डे बेच रहे हैं, ग्रास ऊपर बेच रहे हैं। और ये तो टिड्डे ऐसे खाने लग रही है जैसे मूंगफली हो। कमारोनेस चिकिटिटोस बेबीज। हाँ ये कमारोनेस, पता नहीं यार मेरे को इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी है, पर ये भी समुद्र से निकाली हुई चीज़ है। तो भाई मैं ये खाऊंगा अभी इनके चपुलिनेस यानी कि टिड्डे या ग्रास ऊपर। ये देखो मेरे को तो गिलानी सी आ रही है इनको, किस तरह खा लेते हैं देखना। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, नीचे से हरे हरे दिख भी रहे। ये है इनके चपुलिनेस। मेरा तो देख के इसको उल्टी पकाने का मन कर रहा है, पर चलो एक बार ट्राई करने के लिए तो खा ही लेते हैं वीडियो के लिए। इसकी तो टांग ही न्यारी दिख रही है, मतलब इसकी तो टांग ही अलग से दिख रही है। ऐसा एक कोई ऐसा खाता हूँ जो दिखे ना। लो भाई नो सावे ना। पता नहीं किस तरह खाते हैं भाई ये लोग। इधर सारा मांस का सेक्शन है, छोड़ो ये तो क्या दिखाऊंगा आपको, पर तरह तरह के मांस है उधर। ये क्या एक बेकरी सी, ये देख के तो खाने का मन भी कर रहा है। क्या कीड़े मकोड़े खा रहे हैं अभी? चीज़केक, पाइन, लैटिना, चोकोफ्लान। तू केरेस? नो। तू? नो। इधर भाई ये फूल वगैरह का सेक्शन, और ये जूतियाँ और कपड़े। कपड़ों के रेट आपको दिखाता हूँ, 110 मेक्सिकन पैसो का एक अच्छा सा, यानी कि इंडिया के 450 रुपये, 4.15-4.20 रुपये होते हैं एक मेक्सिकन पैसो में, 50 मतलब इंडिया के 200-205 रुपये का ये कच्चा। अभी शाम का टाइम हो गया तो मार्केट ये बंद होने का सा टाइम हो गया, क्योंकि शाम होगी ना तो काफ़ी दुकानें बंद हो भी चुकी। ये एक नाई की दुकान, ये देखो चूजे। और एक गुलेल, गुलेल पता नहीं कितने साल बाद देखी है यार गुलेल। व्हाट डू यू कॉल इट इन इन मेक्सिको? Para atrapar a las iguanas. Para te esparcir. Matar a las iguanas. Too complicated. 60-50. Okay. Sí, es 65, ok. Y es en 60. Ajá. Y es 60 की है, मेरे को 70 सुना। कितने अपने इंडिया के? 250 रुपए की गुलेल मेक्सिको में। Gracias. और क्या है भाई इधर? ये मेरे को फिर खिला रही थी। ये गज्जक है इनकी, और ये पता नहीं क्या, मतलब दूध से बनी हुई कोई चीज है मीठी। ये जो इसकी दुकान है नौ ओके। जूस पी रहा था पर जूस खत्म हो गया शायद, या पता नहीं क्या है। एक बार और ट्राई करूंगा भाई खाने के, पता नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि टेस्ट बहुत गंदा है, टेस्ट तो इनके मसालों का था मतलब मिर्ची का, पर पता नहीं वो जो फीलिंग है ना कि भी मन मुंह में अपने कोई कीड़ा मकोड़ा रखा है, वो फीलिंग सोच के नहीं खाया जाता, नहीं गिटका जाता। एक बार और ट्राई करता हूँ बाकी। ये तो खा गई सारे, देखना धूप में दिखेंगे तुम्हें ठीक से। अब कीड़े मकोड़े मिर्च में रख रखे और ये सारे खा गई मूंगफली की तरह। पर चिकिटो मीन असी असी। ये है भाई दोबारा एक बार ट्राई कर। ये खाते हैं लो सिएंटो पार्डन ओके दे रेवेर्सा कनो क्या चीज हो गया। नो नो भाई मैं नहीं खा सकता ये डंगा, पता नहीं किस तरह खा लेते हैं कुछ भी। मैं नॉन वेज में सिर्फ चिकन खाता हूँ, और मेरे को वो खाते भी कभी कभी गिलानी सी हो जाती है। और ये तो पता नहीं इसकी अलग से टांगे दिख रही,
वो एंटीना से दिख रहे हैं, मैं नहीं खा सकता। तो ये कह रही है यहाँ पे पता नहीं क्या चॉकलाटे ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। हाँ, मुंह का टेस्ट खराब हो गया मेरा तो। ये कुछ और समुद्री जीव, श्रिम्प, पेस्कादो या मछली वगैरह। Cerrado. Cubrebocas. La mascarilla. Cubrebocas. तो मेरे समझ में नहीं आया था कि क्यों नहीं घुसने दिया दुकान में, ये समझा भी रही थी, मैं बोला मेरे समझ में नहीं आया, तो अभी इसने ट्रांसलेट करके बताया कि हम फेस मास्क नहीं पहन रखे थे हमने, इसलिए नहीं घुसने दिया। कमाल है, पहली बार ऐसा हुआ है मेक्सिको में 2 महीने हो गए कि किसी जगह फेस मास्क भी मांग रहे, और वो भी इस छोटे टाउन में। यार मैं ना रोज सोचता था आज ही क्वाड बाइक लूंगा, आज लूंगा रेंट पे, और आखिरी दिन आ गया, ले ही नहीं पाया। 1 महीना हो गया इस शहर में, मेरा बहुत मन था चलाने का। ये देखो मजा आ जाए, चला गया ना, और बीच पे लेके घूमो इसे। कोई नहीं, चलो चलते हैं अपन। एक तो स्कूटर छोटा सा है और हम दोनों बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो यहाँ पे चल रही है क्रिसमस की तैयारियाँ। मेरे पास हेलमेट नहीं है और बिना हेलमेट के घूम रहे हम, और वैसे तो लाउड नहीं है। इसके अर्दा ओके। मरेंगे भाई आज। ये ना यहाँ पे इस तरह की वैन सी चलती है शेड, 5 मेक्सिकन पैसों में, तो लोग इसमें सफ़र करते हैं। तो ये जो इलाका आ गया ना, अब ये रोड पूरी आगे जाएगी लापुंता बीच की तरफ, या पढ़ सकते हो पुंता जिका टेला। ये कोने पे एक इंडियो मिनी सुपरमार्केट है, और इस पर अपने को सीधा जाना है। तो मेरे सामने जो बीच है ये लापुंता, जिधर मैं रोज आता था सर्फिंग करने, आज बिना सर्फ बोर्ड गया हूँ। आपको बीच दिखाता हूँ, मैं पहले चप्पलें पहन लूँ जूते उतार के। मेरा प्लान था सनसेट से पहले आने का, बिल्कुल इन टाइम आया हूँ, बस 5 मिनट में सनसेट होने वाले, सनसेट देखना चाहता था मैं इधर। ये देखो ये है बीच लापुंता, और इस इलाके में सारे आपको मोस्टली अंग्रेज दिखेंगे, लोकल्स कम दिखेंगे, लोकल भी दिखेंगे पर अंग्रेज सबसे ज़्यादा इधर दिखेंगे। लोग भी इधर आपको इंग्लिश बोलते हुए बहुत सुनेंगे। ये देखो सारे अंग्रेज है, जो गोरे आप देख रहे हो, जो जितना गोरा यूँ समझ लेना वो अभी आया है, क्योंकि और जो अंग्रेज यहाँ पे काले हैं वो मतलब कई दिनों से आए हुए, क्योंकि धूप बहुत तेज है, बट टैनिंग हो जाती है सारे। जैसे ये जरूर आजकल में आए हैं, वो जो आगे बैठे हैं उन्हें आए कई दिन हो गए। तो ये फॉर्मूला है जानने का कौन कब आया यहाँ पे। तू गुस्ता पुएस्ता दे सोल यो मुचो गुस्तो तांबियन से। मैं पूछ रहा था इससे कि तेरे को सूरज ढलना देखना पसंद है क्या, तो कह रही थी हाँ, मैं बोला मुझे भी है। Otra vida como sci-fi, tu presencia me pone high. Sé que no son horas de llamar. अभी तो इधर सर्फ करने कोई आया हुआ ही नहीं, क्योंकि वेव्स बहुत छोटी है, मतलब है बहुत थोड़े लोग हैं पर जो सर्फ कर रहे हैं। और दिनों बहुत भीड़ होती थी क्योंकि अभी वेव छोटी हो गई है। देखो ये सर्फिंग के लिए ठीक नहीं है, वेव्स बहुत ही छोटी है तो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए तो जो पहली बार करे बस। कई लोग तो यहाँ पे बिना कपड़ों के भी बैठे हैं, मैं कैमरे में दिखा नहीं रहा, पर बिल्कुल ही कई लड़कियाँ भी कुछ भी नहीं पहन रखा। हालांकि मैक्सिको में ओपनली दारू पीना अलाउड नहीं है, पर पोर्टो एस्कंदी तो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, तो यहाँ पे सब कुछ टॉलरेबल है, पुलिस या सरकार कुछ नहीं कहती, तो आपको बीच में बहुत लोग दिख जाएंगे बैठ के बियर पी रहे आराम से, या गांजा पी रहे हैं कुछ लोग। जिक्की तो ये था जिक्की, ये उसी स्कूल में सर्फ इंस्ट्रक्टर है जिधर जिनके साथ मैं करता हूँ सर्फिंग। आज ये पता नहीं कराने क्यों नहीं गया, आज दूसरे बीच पे गए हुए वो करने, तो कुदरत यहाँ पे घूमता मिल गया, बहुत मस्त बंदा है बाकी। बीच के बाहर ये खूब सारे बार्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह है इस रोड पे। इधर ना इस तरह की खूब सारी सर्फ शॉप्स है जिधर आपको सर्फिंग से रिलेटेड सामान मिल जाएगा,
टी शर्ट्स और मतलब शॉर्ट्स, सनस्क्रीन वगैरह, सर्फिंग की लीश वगैरह, सर्फ बोर्ड्स, ये सब चीज़ें। खूब सारे टैटू वाले भी है बाकी यहाँ पे। तो भाई इधर एक जगह खाना खाने आए थे, थोड़ा सा आपको रेट क्या आइडिया करा देता हूँ। एक मैक्सिकन पैसों में इंडिया के 4.15-4.20 रुपए कुछ होते हैं। मैंने तो एक सैंडविच मंगाया जो कि 130-140 कुछ का था। ये है चिकन ब्रेस्ट, हुम्मस, अवोकाडो, टमाटो एंड लेट्यूस, 140 का था। इसमें मैंने एक्स्ट्रा चिकन ब्रेस्ट लाई, तो ये 200 मैक्सिकन पैसों का हो गया टोटल, मतलब इंडिया के 850 रुपये का एक सैंडविच। तो ये जो इधर के कैफेज बार्स वगैरह, ये तो थोड़े महंगे है स्ट्रीट फूड से, या और जगह कुछ खाओगे तो टाकोज वगैरह, उससे 3-4 गुना महंगे हैं एटलीस्ट। पीने मैंने ताज़ा जूस मंगाया, बाकी ये वैसे बार है मैस्कल, टकीला और दारू वगैरह बियर के लिए, पर मैंने ताज़ा संतरे और गाजर का जूस मंगाया। ये आ गया भाई सैंडविच। तो भाई खाना हमने खा लिया था और बिल आया 500 मैक्सिकन पैसो, जो कि इंडिया के 2100-2200 रुपये होंगे शायद, 2000 से थोड़ा प्लस ही है, तो जो कि महंगा है बाकी जगहों के हिसाब से। बाकी ना यहाँ पे एक वो है बारसा, वो इधर लापुंता में ना सारी चीज़ 11 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि इधर का रूल है, लोकल्स जो रहते हैं ऐसे कुछ रूल है, तो 11 बजे हर एक रेस्टोरेंट बार बिल्कुल भी शोर नहीं मिलेगा, सब बंद। और 11 बजे के बाद लोग इधर से चले जाते हैं जीका टेला, जीका टेला मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, आपने देखा होगा। तो मैं इधर है ना एक बार है मोम्बासा नाम से, सारे लोग मोस्टली उधर जाते हैं, तो मैं एक मिनट अंदर जाके उसकी वीडियो से आपको दिखा देता हूँ, और बाकी फिर मेरे को वापस जाना है, पैकिंग करनी है, तो निकलना है जल्दी, एक मिनट के लिए बस अंदर जाके आपको दिखा दूंगा। ये है भाई मेरे लेफ्ट में मोम्बासा बार, अभी तो ये खाली सा पड़ा है, रात को भीड़ हो जाती है, खड़े होने की जगह नहीं होती, मतलब 10-10:30 बजे मोस्टली अंग्रेज ही आते हैं यहाँ पे। अभी तो खाली है। ये था भाई सारे सोच रहे थे अच्छा था आया वीडियो बना के बाहर निकल गया तो भाई यार वेलिन को तो मैंने छोड़ दिया, और अब मैं आ गया इसमें स्कूटी में तेल भरवाने के लिए, तेल इसमें खत्म हो रहा था। होला बेन बेंटी फॉर फावो, ग्रासियास। मैंने डलाया भाई 20 मैक्सिकन पैसो, जो कि अपने इंडिया के बनते 80-82-83 रुपए होंगे। मेरे को स्कूटी वापस करनी है अभी, क्योंकि सुबह तो मेरी फ्लाइट है ही, तो इसलिए बस इतना डला रहा हूँ कि भी अगले को बिल्कुल खाली तो ना दो थोड़ा दो, इसकी टंकी बहुत छोटी है, बाकी 100 मैक्सिकन पैसों में तो फुल हो जाती है। इधर पेट्रोल पंप पे एक ये दुकान सी थी, इस पर मैं सैनिटाइजर लेने आया था, और इधर एक ये मशीन है, ये पता नहीं हाइट वेट, मेरे को मेरा वेट चेक करना था, बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा इस पर कर लेता हूँ, इधर से ही डालेंगे ना शायद 5 पैसो डालने इसमें मैक्सिकन पैसो, इंडिया के 21-22 रुपये। भाई वेट तो है मेरा 94.9 किलो, मेरे ख्याल से उतना ही है, थोड़ा सा कम हुआ है, और हाइट है 1.24 मीटर इसके हिसाब से, जो कि बनती है 4 फुट, तो भाई मैं 4 फुट का हूँ आज से। तो मेरा जो सर्फ इंस्ट्रक्टर था दाइंजू, वो मेरे हौसला आया, मेरे सर्टिफिकेट्स मेरे तक आए नहीं थे, मतलब मैंने लिए नहीं थे अभी तक, तो ये देने आ गया। यो दाइंजू व्हाट हैपेंड, यू लुक एंग्री। ऑलवेज ऑलवेज हाउ वाज योर जिम सेशन? वाओ दाइंजू परमवीर सिंह बेनीवाल अमेजिंग, दिस इज द सर्फ राइट? यस द सर्फ सर्टिफिकेट, ये मेरा स्पेनिश का सर्टिफिकेट है, ये मेरा सर्फ का सर्टिफिकेट है वॉइसेस का, और दाइंजू था मेरा इंस्ट्रक्टर, और ये है दाइंजू की तरफ से, व्हाट डिड ही राइट, बेस्ट क्वालिटीज ऑलवेज द बेस्ट एटीट्यूड एंड मोटिवेशन टू एंजॉय एंड लर्न। थैंक यू दाइंजू, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू बाय द वे, कोमो एस्टास? सुपर कंसाडो, कंसाडो। तो भाई ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो कर दे अपन यहीं पे खत्म। दाइंजू का भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और दाइंजू यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है पोर्टो एस्कंदिनो में, किसी को भी आना हो सर्फिंग सीखनी हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दाइंजू ऑन हिज इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू सर्फ। दाइंजू इज द बेस्ट इंस्ट्रक्टर, वेरी कूल गाय, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मेरा इंस्ट्रक्टर था तो हम जिम भी साथ जाते थे, मतलब ही इज अ रियली नाइस गाय। इस वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे खत्म, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।
really like it.